वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स ट्रायंगल, दैट मीन्स त्रिभुज। तो क्वेश्चन जैसा कि आप थंबनेल में देख लिए होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बिना ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो, कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो अपने लोग अभी जो जानने वाले हैं एंगल बाय सेक्टर थ्योरम, ये क्या होती है। हालांकि इसका प्रूफ भी आता है कि एंगल बाय सेक्टर थ्योरम का प्रूफ, लेकिन आपको क्या है, स्टेटमेंट आपको मतलब अभी फिलहाल में याद करनी है, क्योंकि स्टेटमेंट अगर आप समझोगे ना, एक्चुअली में कहने की क्या कोशिश कर रही है, इसका जो आप स्टेटमेंट समझ लोगे ना, इसका जो रूल समझ लोगे ना क्या है, ठीक है, तब आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, कोई भी नाम भी आप दे सकते हो, तो ये ट्रायंगल है। ठीक है, इसको मैंने माना सेकंड, इसको मैंने माना ए, इसको माना बी और इसको माना सी। क्लियर, इसको मैंने ए माना, माना सी माना। अब देखो वर्टिसेज क्या होता है, वर्टिसेज क्या होता है कि एक डंडा है, दो डंडा है, दोनों डंडा जहाँ पे मिला ना उसी को बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, ऐसे करके ये ऐसे ये, तो ये दोनों कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है, ये दोनों कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ये दोनों कहाँ मिला रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो आप कहीं से भी कोई भी वर्टिसेस से आप एक लकीर ऐसे करके ड्रॉ करो, यहाँ पे ड्रॉ करो, तो यानी कि ये अल्टीट्यूड हुआ, यानी कि ऊंचाई हुआ। क्लियर, अच्छा, तो एंगल यानी कि देखो एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है, तो ये टर्म क्लियर हो गया। बाय यानी कि दो एंगल, एक एंगल और ये दो एंगल बन रहा है, बन रहा है। देखो एक तो इसलिए हम दिए हैं क्योंकि आप अगर ये लिखोगे ए बी ए डी लिखोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो उसको बचाने के लिए समझो कोई भी एंगल है, एक है ना, समझो कोई एंगल है, 30 है, 60 है, कुछ भी है। ठीक है, ये 30 है, 20 है, कुछ भी है, वाट एवर। ठीक है, फिर देखो ये तो है, तो ये भी कुछ होगा, तो एंगल बाय सेक्टर थ्योरम क्या कहते हैं भाई, मतलब दो को में बांटा, सेक्टर यानी कि बांट दिया। तो ये अगर मान लो बराबर भागों में बांटा, बराबर में, ठीक है, ये जितना होगा इतना ये भी होगा। तो अब हमें बताओ कि इस एंगल के अपोजिट साइड कौन होगा, इस एंगल के डायरेक्ट मतलब ठीक सामने का अपोजिट होता है, तो ये अपोजिट साइड हुआ। तो इसका जो ये वाला टुकड़ा है, ये टुकड़ा यानी कि बी डी, ये जो टुकड़ा है बी डी, ठीक है, और ये जो टुकड़ा है डी सी, ये बराबर होगा जो ई वाला को जो साइड जो बना रहा है। ठीक है, ये देखो ई एंगल को कौन कौन साइड मिलकर बना रहा है, इस एंगल को कौन कौन साइड मिलकर बना रहा है, जैसे देखो यहाँ पे अगर बना, इसको मैंने मान लिया ओ, इसको माना ए, इसको माना मैंने पी, कुछ भी मान लो वाट एवर। अब हम एक बात बताओ, ये जो एंगल है इस एंगल को कौन बना रहा है, ये वाला डंडा बना रहा है और ये डंडा बना रहा है। अच्छा, आप इसको ऐसे समझो, देखो ये कलम हुआ, अच्छा फिर देखो फिर ये एक कलम हुआ, हमें आप एक यहाँ पे एक सेकंड इसको आगे कर देता हूँ। ठीक है, ये कलम हुआ, तो ये कलम हुआ, ये कलम हुआ, तो आप हमें बात बताओ यहाँ पे एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमें एक बात बताओ, इस जो एंगल मैंने कुछ नाम देता हूँ एंगल को, मान लो इस एंगल को हमने दे दिया 30 डिग्री, कुछ भी दे दिया। ठीक है, अब हमें बताओ 30 डिग्री कौन बना रहा है, ये वाला पेन यानी कि ये कलम और ये कलम मिलकर 30 डिग्री बना रहा है। हम मान लीजिए या तो इसको डिस्टर्ब कर देंगे यानी कि इसको हटा लेंगे, या तो इसको हटा लेंगे, ठीक है, या तो दोनों का ना हटा लेंगे। अब तो गड़बड़ा गया, 30 डिग्री कहाँ हो रहा है, तो यानी कि ये कलम और ये कलम मिलके क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये एंगल मिलके। तो हम कह सकते हैं ना कि 30 डिग्री को कौन बना रहा है, ये दोनों डंडा बना रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे आप अप्लाई करो कि ये जो है, ये जो ऐसे करके ये वाला जो डंडा है, इसको दो बराबर भागों में कौन बांट रहा है, यानी कि एंगल कौन बना रहा है, ए बी और ए सी एंगल बना रहा है। तो ये जो ए बी होगा, ये जो ए सी होगा, ये इसका जो रेशियो होगा, ये इसके बराबर होगा। तो यानी कि दो रेशियो को तुलना कर रहे हैं ना, दो रेशियो को तुलना करें तो ये प्रोपोर्शनल कहलाया। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द इंटीरियर एंगल्स अपोजिट साइड इनटू टू सेगमेंट्स दैट आर प्रोपोर्शनल
देखो प्रोपोर्शनल क्या होता है, जब दो रेशियो का तुलना करते हैं ना उसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। देखो कोई भी चीज़ को देखो, पहले रेशियो क्या होता है, रेशियो रेशियो का मतलब होता है कंपेयर करना, क्या होता है मोटा मोटी कंपेयर करना तुलना तुलना, ठीक है। जब दो सेम चीज़ों का तुलना करेंगे, सेम चीज़ों का तुलना करेंगे, जैसे लंबाई को लंबाई से, चौड़ाई को चौड़ाई से, वॉल्यूम को वॉल्यूम से, एज को एज से, मोटाई को मोटाई से, लेंथ को लेंथ से, व्हाटएवर कुछ भी एक रंग लाना चाहिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेशियो। दो रेशियो का तुलना करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का, एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द इंटीरियर एंगल्स अपोजिट साइड इंटू टू सिगमेंट्स दैट आर प्रोपोर्शनल टू द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। फिर से सुनिए, एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द इंटीरियर एंगल्स अपोजिट साइड इंटू टू सिगमेंट्स दैट आर प्रोपोर्शनल टू द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो आप उतना तो नहीं लिखिएगा, आप डायरेक्ट में याद करो, इसको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, देखो एक बार फिर पर इस अच्छा से। मैंने एक ट्राइंगल लिया लिया ठहरा हो गया तो सीधा कर दीजिएगा, ये ट्राइंगल लिया, ये ए लिया, बी लिया, सी लिया। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, यहाँ पे वो लकीर आप खींचे, अच्छा इसको डी मान लिए, तो ये पला ये जो एंगल हुआ तो ये दोनों बराबर हुआ, तो यानी कि ये जितना ये होगा मान लीजिए 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री होगा, ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो वर्टिसेज हुआ ना दोनों साइड का, कोई भी अब ऐसे भी खींच सकते हो, यहाँ से भी ऐसे भी इसको ऐसे भी, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये जो एंगल बना, इस एंगल का ठीक सामने वाला सेट कौन है, ये बी सी है, बी सी है, तो बी सी जो है तो इसको बी सी को दो बराबर भागों में बांटा, अच्छा तो ये जो बी डी हुआ, ये बी डी हुआ और ये जो डी सी हुआ, ये बराबर होगा इस एंगल को जो साइड बनाएगा उसके रेशियो का। तो ये एंगल को कौन बना रहा है, अभी मैं दो पेन से एग्जाम्पल देकर बताया हूँ, इस एंगल को कौन बना रहा है, कौन बना रहा है, ये ए बी बना रहा है और ए सी बना रहा है, तो ये ए बी और ए सी, तो यानी कि ये वाला डंडा, देखो ये वाला डंडा, ठीक है, यानी कि ये और ये डंडा, ठीक है, इस डंडा और ये डंडा, तो ये डंडा अब बटा ये वाला डंडा बराबर होगा ये वाला का, ये वाला का, यानी कि इस वर्टिसेस से मैं एल्टीट्यूड खींचा तो इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटेगा, इसके सामने वाला जो साइड होगा इसका एक टुकड़ा, इसका एक टुकड़ा, ये इक्वल होगा किसका, इसका और इसका, यानी कि एक दूसरे का प्रोपोर्शनैलिटी होगा। प्रोपोर्शन क्या होता है, रेशियो को कंपेयर करेंगे, दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो रेशियो, और दो रेशियो को कंपेयर करेंगे तो प्रोपोर्शनल, ये दोनों इक्वल होगा, बस हो गया। अब देखिए आपका सवाल तुरंत में बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें क्या कर रहा है, बी डी और डी सी निकालना है, यानी कि ये बी डी और ये डी सी निकालना है, क्लियर। तो फिगर आपको दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, ये जो एक्स और ये नहीं दिया रहेगा, फिगर आपको इसे दिया रहेगा, एक सेकेंड देखो, एक मिनट, आपको फिगर ये एक्स नहीं दिया रहेगा, फिगर आपको ऐसे दिया रहेगा, देखो इस टाइप का फिगर दिया रहेगा, ऐसे 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 ये दिया रहेगा, इस टाइप का ये दिया रहेगा, ठीक है, ये जो एक्स है ना, ठीक है, ये नहीं दिया रहेगा, ये वाला नहीं दिया रहेगा, ये वाला नहीं दिया रहेगा, ठीक है, ऐसे करके दिया रहेगा, खाली रहेगा एक्स और ये नहीं दिया रहेगा। तो चलो, तो कैसे बनाएंगे, तो ए डी बाइसेक्टर है, ठीक है, ए डी ऐसे करके लंबा लिख गया तो बाइसेक्टर, यानी कि बाइसेक्टर का मतलब क्या, दो बराबर भागों में बांटना, तो वो सेक्टर, सेक्टर बांटना, अब बाय मतलब दो, तो दो बराबर भागों में बांटेगा ना, तो उसी को बोलते हैं बाइसेक्टर। जैसे कि मान लीजिए एक केक है, एक केक है, ठीक है, केक है, ओके, तो हैप्पी बर्थडे टू यू करते, यानी कि ऐसे करके चाकू से, ऐसे करके छुरी से, नाइफ से काट दिया, बाइसेक्टर हो गया, बाय तो दो पार्ट में पट गया, एक्सेप्ट कर दिए, बांट दिए, तो बाय सेक्टर हो गया, अच्छा ये हो गया। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या है कि ए सी 14 है, ए सी मतलब पूरा चीज अपना दे दिया है। अब हमें यहाँ पे गौर करो, बात को गौर करो, ये पूरा 6 है, देखो तो आप थोड़ा बहुत आपको बेसिक आना चाहिए, ये पूरा 6 है, तो ये पूरा 6 है, लेकिन हमको पता नहीं है कि ये जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है, तो हम अगर इसको मान लो एक्स मानेंगे तो 6 घटे एक्स नहीं होगा, फिर दोनों जोड़ के 6 होगा, कैसे होगा, देखो देखो आपको ये 6 है, तो मान लो एक साइड को मैंने एक्स माना तो दूसरा क्या होगा, 6 घटे एक्स होगा, 6 घटे एक्स होगा, तो हम दोनों को जोड़ेंगे
तो ये जो है ऐसे करके कट गया कट गया, तो छो ही होगा। अच्छा आप इसको ऐसे समझो, देखो देखो हम हैं और आप हैं, मान लीजिए अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम हैं आप हैं, तो हम दोनों को मिला के मतलब मेरे पास जो पैसा है वो आपके पास है, जो दोनों मिला के 10 रुपया है, ठीक है। आपके पास मान लीजिए 8 रुपया है, ठीक है, आपके पास कितना रुपया है? 8 रुपया है, तो मेरे पास कितना होगा? 10 घटे 8, पास फील करो, ये सब जूनियर वाला चीज सब हुआ। देखो हमको और आपको मिला के कितना रुपया है? 10 रुपया, उसमें से आपके पास 8 रुपया है, तो मेरे पास कितना होगा? 10 घटे 8 होगा, ठीक है, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। या तो आप ऐसे समझो, हमको और आपको मिला के 10 रुपया है, हमको आपको मिला के 10 रुपया है, ठीक है, उसमें से आपके पास है मान लीजिए 2 रुपया, तो मेरे पास क्या होगा? 10 घटे 2 होगा, होगा कि नहीं होगा? मेरे पास कितना होगा? 10 घटे 2 होगा, ठीक है, मेरे पास कितना होगा? 10 घटे 2 होगा, तो 10 रुपया है, आपके पास 2 है, तो मेरे पास कितना होगा? 10 में से 2 को घटा देंगे 8 रुपया, फिर देखो 2 जोड़ 8 10 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये यहाँ पे इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कितना था? 6 था, तो हमें एक्स था, ठीक है, तो हमें यहाँ का निकालना था, 6 में से 1 नहीं घटा देंगे इस हिसाब से, इसलिए मैंने स्टार्टिंग यहाँ से करना है, बी डी इतना और डी सी इतना। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे गौर करो, ये लाइन को गौर करो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए डी इज द बाइसेक्टर, बोल रहा है ना, लिखेंगे गिवेन गिवेन ए डी इज द बाइसेक्टर, ए डी इज द बाइसेक्टर, तो इसलिए एंगल बाइस, इसलिए अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सही है, एंगल बाय सेक्टर थ्योरम से वो कर देंगे, अभी जो मैं आपको बताया हूँ ना तो बोला कर देंगे। अब बताइए ये हमें किताब वाला बोल रहा है कि इस टाइप का, जरूरी है कि टेढ़े दे सकता है फिगर, ठीक है, सीधा भी दे सकता है, तो मैं वो थंबनेल में है ना बुक में, तो एग्जैक्टली बुक में ऐसा दिया है ना, तो इसलिए मैं कॉपी करके सेम टू सेम बुक का ऐसे किया, तो जरूर नहीं कि टेढ़े दिया रहेगा, इसको सीधा भी ऐसे ऐसे भी रह सकता है, ठीक है। तो मैं बुक से रिलेट करने के लिए, आदि शर्मा की बुक से रिलेट करने के लिए मैं आप लोग के लिए ऐसे करके टेढ़ कर दिया, कि थंबनेल में भी टेढ़ा है तो हम भी टेढ़ कर दिए, अच्छा बाकी और कोई रीजन नहीं है, सीधा भी रह सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि मैं तो पूरा बता चुका हूँ आपको, ये डंटा गिरा, यहाँ पर ये डंटा गिरा, तो दो दो पार्टों में बांटा, तो बी डी बटा डी सी, ये जो एंगल यहाँ पे ये पूरा जो ये जो एंगल बना, ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं, एक बराबर क्या है? तो ये दोनों बराबर एंगल है, तो इस एंगल को कौन बना रहा है? ये वाला और ये डंटा मिलकर बना रहा है, ठीक है, तो इस दोनों का जो रेशियो होगा, ये इस दोनों का रेशियो इक्वल होगा, मैं पूरा बात कर चुका हूँ, यानी कि ए भी होगा बटा किसका होगा? ए सी का होगा कि नहीं होगा? ये बराबर होगा क्या चीज़ का? बी डी बटे डी सी का, ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा, सेंटीमीटर में बाद में दूंगा, ठीक है, 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 14, ये क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 6 घटे x, होगा कि नहीं होगा? अच्छा अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा, ठीक है, तो बुरबक वाला बात हो जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्यों करेंगे हम? इसको यहाँ पे काट सकते हैं छोटा छोटा करने के लिए, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, तो 5 / 7 बराबर कितना है? एक्स बटे, देखो पड़ोसी तो आगे हल करेगा नहीं, आप ही को हल करना है, तो इसलिए मैं छोटा कर दिया। अब देखो आप इसका आगे क्या बनाएंगे, इसके आगे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, आपको आपको इधर बनाना है, आपको ऐसे करके कॉपी पर बनाया तो इधर उल्टा के बनाना है, ठीक है, इधर उल्टा के बनाना है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ ऐसे, इन्हें कि आप भी तीर मार दोगे, आपको दूसरा पेज में बनाना है या तो नीचे बनाना है। अब यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, यहाँ पे लिख दो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन, वर्ज गुना करने पर, ठीक है, तो आप इसको इससे गुना करो या इसको इससे गुना करो, आपका अपना मर्जी है, तो मैं इसको इससे गुना करता हूँ, कुछ भी करो आप, इसको इससे गुना करो। देखो सवाल हो गया अपने लोग का गलती, बोलेंगे कहाँ गलती हुआ अपने लोग का सवाल, कहाँ गलती हुआ? हम आपको देखिए, इसलिए मैं बोलता हूँ हर एक वीडियो में, हर एक क्लास में, कि मेरा प्रीवियस वीडियो आप देखा करो, प्रीवियस वीडियो देखोगे ना तो आप चीज़ों को रिलेट करोगे। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि गुना रहेगा और घटाव रहेगा तो उसके बाद में ब्रैकेट में देंगे, ये ब्रैकेट में देंगे, ठीक है, इसलिए गलती हुआ, गुना है, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में देना ज़रूरी है। अब यहाँ से बेसिक चीज, प्लस प्लस प्लस, 5 को 600 गुना करेंगे तो 30, प्लस और माइनस माइनस, बराबर का साइन लगा दो, और है यार
प्लस 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 5 को 6 से किए तो 30, प्लस माइनस माइनस 5 को 1 से किए तो 5x, इसको x को 7 से किए तो 7x हो गया यहाँ तक। अच्छा बराबर, अब यहाँ पे जिसका मान निकालते हैं कोई एक साइड रखते हैं, ठीक है। देखो इस हाथ में भी आपको 58 चौवन है, यानी कि अच्छा 58 चौवन छोड़ के 1 रुपया 2 रुपया का इस हाथ में भी सिक्का है, और इस हाथ में भी आपको 1 रुपया 2 रुपया का सिक्का है, तो आपको अच्छा क्या होगा, एक हाथ में 1 रुपया का सिक्का कर लीजिए, एक हाथ में 2 रुपया का सिक्का कर लीजिए, ठीक है। इसलिए आपको एक्स इधर भी है, तो एक जगह कोई एक जगह डिसाइड कर लो, या तो इधर कर लो या तो इधर कर लो, तो ज़्यादातर केस में हम इधर करते थे, इधर कर लेते हैं अच्छा भी लगता है देखने में, बाकी आप उधर करो, आप अपना मर्जी, एज यू विश। प्लस तो प्लस बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, माइनस रहता बराबर किधर जाता तो प्लस हो जाता, बराबर प्लस इधर गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब इसका क्या होगा, शिफ्टिंग होगा, शिफ्टिंग की है ना, शिफ्ट कर दिया अपने लोग, शिफ्टिंग SHIFT, शिफ्टिंग है ट्रांसपोजिशन। देखो प्लस है बराबर किधर चला गया तो माइनस है, माइनस होता तो प्लस होता, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे माइनस और प्लस 7 5 12x, चिन्ह बाई से क्या करते, 7 का चिन्ह माइनस है तो माइनस दे देंगे, बराबर माइनस 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे x का मान जो निकालेंगे तो ये जो साइड है RHS यानी कि दायां वाला न्यूमिनेटर में चला जाता है ऊपर, और ये जो बायां वाला है लेफ्ट हैंड साइड वाला डिनोमिनेटर यानी कि हर में आ जाता है, तो ये ऊपर कर देंगे और ये क्या कर देंगे नीचे, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको काटे कूटेंगे, ठीक है, काटे कूटेंगे 30 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, फिर 3 5 15 फिर 3 2 6 तो कितना हो गया 5/2 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब 5/2 का आधा क्या होता है, 5/2 का आधा क्या होता है, 2.5 रुपया होता है, होता है कि नहीं होता है। देखिए ये सब बेसिक चीज हुआ ना, तो मेन तो आपका बन गया यहाँ तक तो क्वेश्चन, देखो मेन होता है ना समझदार स्टूडेंट, यहीं तक तो हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो का भाग भी कर सकते हो, देखो 2 में 5 से भाग करोगे, है ना, ऐसे था ना, कहाँ गया 5/2, तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से भाग करते हैं तो 2 4 हो गया ना, 1 10 देखो यहाँ पे क्या हो गया 0, 2 5 10 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। बेसिक में छठा से स्टार्ट है ये सब, ठीक है, नॉर्मल चीज है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो अब आपका निकल गया, अब यहाँ पे आपका निकल गया, अब इसका आगे आप क्या कर दो, अब यहाँ पे इसके आप आगे आप बना दो, यहाँ पे ऐसे करके बना दो, लिख दो यहाँ पे हेंस, हेंस क्या आपको बोलता था करने के लिए, बी डी, तो बी डी आपका क्या था, एक्स सेंटीमीटर आप माने थे, ठीक है, एक्स तो आपका निकल गया ना 2 10 आप लास्ट में लेके सेंटीमीटर लगा देना है, हम इस समय सेंटीमीटर नहीं दिए, थोड़ा खिचड़ी टाइप का हो जाता है इसलिए नहीं दिए, घोच वोच हो जाता है, इस समय फ्रेश से लास्ट में दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दे सकते हो। और ये यहाँ पे आप एंड ऐसे लिखो या ए एन डी वाला लिखो, तो ज़्यादा कोशिश कीजिएगा ए एन डी वाला लिखने का, ठीक है, सिम्बॉल में मैं सही लिख दिया। अच्छा एंड एंड कुछ भी लिखो चलेगा, लेकिन देखो अब यहाँ पे एंड दिए, यहाँ पे ये वाला एंड देंगे, हल्का सा थोड़ा पैटर्न को फॉलो कीजिएगा कहने का मतलब, ठीक है, या तो ये वाला एंड यहाँ दो तो यहाँ भी वो वाला एंड दो, या तो ये वाला एंड यहाँ तो यहाँ दो, लेकिन कोशिश करना ये वाला देने का, ठीक है, ये सब नॉर्मल बात है। डी सी अब यहाँ पे 6 × x कितना सेंटीमीटर, अच्छा तो 6 देंगे माइनस एक्स का क्या है 2.5 है, ठीक है, इस टाइप का सेंटीमीटर, अब इसको घटाओ, अब घटाओ भी है बेसिक चीज़ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, देखो ये इसको कैसे घटाएंगे, इसको कैसे घटाएंगे, तो 6 है, हमें एक बात बताओ 6 को हम ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत, लिख सकते हैं ना 5 5 ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, 2 ऐसे लिखो, ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर देखो ये इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया, फिर ये दशमलव है ये दशमलव यहाँ पर दे देंगे, फिर 5 है तो 5 दे देंगे, 2 है तो 2 देंगे, घटा देंगे, इसको दिया 10 में से 5 का तो 5 दशमलव, ये जो इसको दिया था तो 5 में से 5 हो गया तो 3 3.5 हो गया, तो यहाँ पे चिपका दो 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हो गया, तो 2.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर अपने लोग का क्या हो गया आंसर, ठीक है, खत्म। अब ऐसे भी आप ये वाला नहीं देखे, ये वाला नहीं देखे, आप ऐसे भी लिख सकते हो आंसर, आपका अपना मर्जी है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है, तो यही क्वेश्चन था मेन, इसमें क्या था ना, देखो ये एंगल वाइज सेक्टर आप थोड़ा आप यहाँ भी लिख सकते हो ऐसे करके, इन्हें कि यहाँ भी लिख देना है आपको एक जगह, यहाँ लिखो तो यहाँ नहीं, यहाँ लिखो तो यहाँ नहीं, यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल वाइज सेक्टर थ्योरम, तो मेन यही था यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, यहाँ यहाँ पर एंगल को 2 बराबर भागों में बांटा है, कौन वाला डंटा, ये डंटा, और ये जो डंटा ऐसे करके गुजरेगा तो इसका सामने वाला जो डंटा होगा साइड होगा तो इसका जो टुकड़ा हो जाएगा
ये दो टुकड़ा का जो रेशियो होगा, ठीक है, ये साइड को जो बनाता होगा दो, ये एंगल को जो बनाता होगा दो साइड, उस दो साइड के रेशियो का बराबर होगा, तो ये एक दूसरे का बराबर होगा, तो यही होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का मेन कॉन्सेप्ट यही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको अगर कुछ लाभ मिला हो, एजुकेशन मिला हो इस वीडियो से, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं कुछ भी अपलोड करूँगा तो आपको मिलेगा। और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, जो भी मैथ से रिलेटेड है, मैथ को अच्छा से फील करना चाहते हैं, वो सबको आप शेयर कीजिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, आप प्ले लिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारा क्वेश्चन सब मैंने दिया। और साथ ही मेरा एक और चैनल भी है, सागर झा बायोलॉजिस्ट, सागर झा बायोलॉजिस्ट के नाम से, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही आप सुझाव दो कि आप कहाँ पर दिक्कत हुआ, आप कहाँ पर हम अच्छा से आपको नहीं बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, तो उसको भी मैं दूर करूँगा, वो भी प्रॉब्लम मैं दूर करूँगा। जैसे क्वेश्चन आपको क्या दिक्कत, आप कहाँ पे नहीं समझ पा रहे हो, तो वो भी आप हमको कमेंट करिएगा, तो मैं पूरा कोशिश करूँगा, या तो फिर से वीडियो बना दूंगा, या तो मैं आपको मतलब सजेस्ट करूँगा कि यहाँ नहीं, यहाँ ऐसे नहीं ऐसे होगा। ठीक है, थैंक यू।